बागेश्वर धाम सरकार के बाबा पंडित देवेंद्र शास्त्री 2 दिसंबर को चटाही धाम बागमारा आएंगे, जिसको लेकर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो की आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। चरण शिष्य पंडित नितिन चौबे ने बताया कि 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन बाघमारा विधायक के सौजन्य से झारखंड की पावन धरती चटाई धाम में पहली बार किया जा रहा है, जिसमें 2 दिसंबर को बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होगा और 3 दिनों तक वे श्रद्धालु को कथा सुनाएंगे। राम राज मंदिर चटाई धाम राम में होने जा रहा है, इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। सभी प्रकार से उच्चतम व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 1 दिसंबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी और 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा और लोक कथा का श्रवण करेंगे। उन्होंने इस धार्मिक आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने के लिए अपील की, साथ ही कहा कि ऐसा सौभाग्य सभी को बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हनुमंत कथा में शामिल होकर सभी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ज्ञान प्राप्त करें। मौके पर शत्रुघ्न महतो, सुदर्शन आचार्य, गोविंद आचार्य, प्रकाश आचार्य सहित अन्य मौजूद रहे। पहली बार राम राजा सरकार मंदिर है जो यहाँ पे वहाँ पधार रहे हैं। राम राजा की कृपा से पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पहुँच रहे हैं। 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा होगी, 2, 3, और 4 दिसंबर में। इसके मध्य में ही एक दिन का दिव्य दरबार भी होगा, जो कथा का समय है 3 बजे से है और 11 बजे से दिव्य दरबार होगा 3 तारीख को। और 3 दिन तक हम आप सभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। 3 दिन तक हम आप सभी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 1 तारीख को कलश यात्रा यहाँ पर होगी और 2 तारीख से कथा होगी, तो गुरुदेव का आगमन भी 2 तारीख को यहाँ पर हो जाएगा सुबह। और इसके बाद पूरे झारखंड में राममय तो वैसे ही है और राममय होने वाला है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी झारखंड की धरती पर पहली बार हम सबको उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 2, 3, 4 दिसंबर को झारखंड के धरती पर पहली बार उनका पदार्पण होने जा रहा है। 3 दिवसीय हनुमत कथा उनके मुखारविंद से हम सबों को आशीर्वाद देंगे। झारखंड के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बाघमारा झारखंड से युधिष्ठिर महतो की रिपोर्ट।